हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के, अकाउंट्स बनाना क्यों जरूरी है, अकाउंटिंग के पीछे आप लोगों को नहीं पता है कि कंपनी कितने रुपए खर्च करती है, ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है और इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो कोई भी कंपनी अकाउंट्स क्यों बनाती है, अकाउंटिंग की जरूरत ही क्या है। तो बच्चों हम लोग आज चालू करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स हम क्यों बना रहे हैं। फर्स्ट, टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। अगर बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन हो, मैं किसी राम को गुड्स बेचूं तो मैं याद रख सकता हूं, श्याम को बेचूं तो याद रख सकता हूं, लेकिन अगर 100 लोगों के साथ मेरा ट्रांजेक्शन हो तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द ट्रांजेक्शन, किससे कितने पैसे देने हैं लेने हैं। बट अगर वही ट्रांजेक्शन मैं लिख दूं तो, वही ट्रांजेक्शन अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दूं तो इट विल नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस टू मेमोराइज, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया है, हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स क्यों बनाए, कि परमानेंट रिकॉर्ड सारे ट्रांजेक्शन का हम रख सके, इसलिए हमें अकाउंट्स बनाना जरूरी है। सेकेंड, टू डिटरमाइन द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, सॉरी, टू डिटरमाइन द ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आप बिना अकाउंट्स बनाए भी बता सकते हैं, बट वो एस्टिमेशन होगा, वो नियर बाय होगा, वो सिर्फ अंदाजा होगा। अगर आपको सही प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है आपके बिजनेस में, यानी आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, वो जानना है, अकाउंट्स बनाना है। थर्ड, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है, आपके बिजनेस की कीमत क्या है, जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 10 साल पहले, क्या आज उसकी कीमत आज भी उतनी है या बढ़ गई है, ये अगर आपको जानना है, then also you need to prepare accountancy या और अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। फोर्थ, टू नो द टैक्स लायबिलिटी, आपको बिजनेस में कितना टैक्स भरना है, विदाउट प्रिपेयरिंग अकाउंट आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट चाहे आपसे जितने टैक्स वसूल सकता है उसकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन अगर आप अकाउंट्स बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आप अकाउंट्स बनाइए, आप अकाउंटिंग बनाएंगे तो आपको सही प्रॉफिट पता चलेगा, और सही प्रॉफिट पता चलने से आप सही टैक्स लायबिलिटी यानी बिजनेस में कितना टैक्स भरना है ये भी पता चल जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू असिस्ट द मैनेजमेंट रिगार्डिंग फ्यूचर टारगेट, मैनेजमेंट को फ्यूचर में टारगेट सेट करना है कि इस साल सेल्स कितना हुआ, इस साल इनकम कितनी हुई, और फ्यूचर में हमें कितना अचीव करना है, अगर आपको ये जानना है आपको अकाउंट्स बनाना है। मैनेजर्स बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, बिजनेस के सेल्स के रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन्होंने टारगेट अचीव किया कि नहीं, वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं, यानी आपको उनकी एफिशिएंसी जाननी है तो भी आपको अकाउंट्स बनाना जरूरी है। सो दीज आर द 5 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट हम शॉर्ट में निपटाएंगे, ये मेन फैक्टर्स हैं। किसी भी बुक में आपको ये 4-5 फैक्टर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ये आपको मैंने शॉर्ट में समझाया है। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कीजिएगा, हम उसका जरूर जवाब देंगे। एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।